हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीस सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज बात करने वाले हैं कि आखिर ग्रेजुएशन कर किस सब्जेक्ट्स में करना आपके लिए ठीक रहेगा अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को एज अ करियर लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आज का वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक्स मैंने दे दिए हैं। तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो गाइज, बहुत लोगों का ये सवाल था कि आखिर अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग को करियर लेके आगे बढ़ना है तो अगर मैंने 12th पास कर लिया है तो ग्रेजुएशन किस में करना ठीक रहेगा, मास्टर्स किस में करना ठीक रहेगा। तो गाइज़, अगर आपने 12th पास कर लिया है तो जो सब्जेक्ट्स जो आपको चूज़ करने रहेंगे, ऐसे उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी सब्जेक्ट्स में, मतलब आप बीए कर लीजिए, आप बीकॉम कर लीजिए, आप किसी साइंस में कर लीजिए, आप किसी भी स्ट्रीम में कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आने में आपको कोई परेशानी नहीं है। ऑलरेडी अगर आपने कर भी लिया है तब भी आप किसी भी फील्ड में रहते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग में के जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। बट कुछ लोगों का सवाल रहेगा, अभी मैंने 12th किया है लेकिन हाँ मुझे डिजिटल मार्केटिंग को एज ए करियर ही लेके आगे बढ़ना है, तो फिर उसके लिए मैं क्या करूँ। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप किसी भी आईटी ग्रेजुएशन फील्ड को लेके आगे बढ़िए, यानी बीसीए कर लीजिए, वीआईटी कर लीजिए, बैचलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आईटी से रिलेटेड कोई भी ग्रेजुएशन, या फिर अगर ये चीज़ें नहीं मिल रही है आपको, या फिर बिजनेस, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट या फिर बिजनेस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये दो तीन चॉइसेस होते हैं। कोशिश कीजिएगा कि अगर आईटी से ग्रेजुएशन हो जाता है तो वो बहुत अच्छा है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको वेबसाइट और सॉफ्टवेयर, इन सब से आप इंटरेक्ट होते रहते हैं 3 साल तक, तो आप उसके कोर को सब कुछ समझ सकते हैं। वेबसाइट कैसे डेवलप होती है, क्या प्लगइन्स होते हैं, क्या वर्डप्रेस होता है, क्या सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डेटाबेस क्या होता है, तो हर चीज़ों से ना आप वाकिफ़ हो जाते हैं। जब आप डिजिटल मार्केटिंग के कदम रखेंगे आप, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट मिलता है। अगर आप मेरा पूछेंगे, मैंने बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इग्नू से किया हुआ है, मैंने बिल्कुल इग्नू से किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है रेगुलर कॉलेज से आप अपना ग्रेजुएशन क्या करें, आप कॉरेस्पॉन्डेंस से कर सकते हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद लेकिन जो मैंने MBA किया है वो मास्टर्स में किया है। मैंने मास्टर्स MBA जो मैंने किया है वो मैंने मार्केटिंग एंड IT दोनों मैंने चूज़ किया था। वहाँ पर ड्यूअल स्पेशलाइजेशन था कि आप दोनों में से कोई से भी चूज़ कर सकते हैं, तो मैंने मार्केटिंग एंड IT दोनों चूज़ किया था। तो मेरा जो पूरा अगर आप बैकग्राउंड मेरे आप देखेंगे तो मैंने ग्रेजुएशन भी IT में किया था और जो मेरा MBA था वो भी मेरा IT में ही था। तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट मिलता है जब मैं इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ। मैंने बड़े बड़े कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ दिए हैं और बहुत सारे इंटरव्यूज़ क्रैक किए हैं बस अपने मैनेजमेंट स्किल्स के कारण। अगर आप MBA करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिलता है कि आपका जो सोचने का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके अच्छे हो जाते हैं। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि सिर्फ ग्रेजुएशन करने से ही मतलब कर लेंगे तो आपका सिर्फ ख़राब होगा, ऐसा कुछ मैं नहीं बोल रहा। बट हाँ, अगर आप MBA कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, तो आज आपकी जो सोचने की जो कैपेबिलिटीज़ होती है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स चेंज हो जाते हैं, आप जब बात करते हैं क्लाइंट से तो आपके बात करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। ये चीज़ें मैंने फील की है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप अगर नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद MBA के बाद बहुत सारे 1 साल के कोर्स होते हैं जो कि IT से रिलेटेड होते हैं, जो IIM अहमदाबाद या फिर IIM कलकत्ता, IIM बेंगलोर, बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग के 1 ईयर का क्रैश कोर्स कराते हैं ये, और इनके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे जो कि ये कराते हैं, और आपको जो डिग्री मिलती है वो IIM कलकत्ता या IIM बेंगलोर से मिल जाती है। 1 ईयर का डिप्लोमा कराते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं मास्टर्स अगर आपने कर लिया है। पढ़ाई अगर कोशिश कीजिए कि जितनी ज़्यादा सर्टिफिकेशन आपके रिज्यूमे जितना ज़्यादा हेवी होता है
उतना मजा आता है, उतनी चीजें आपके मेंशन रहती है। तो जब आपको, जब आपको कोई रिज्यूम आपके हाथ में लेता है तो देखता है कि आपने, आपके दो तीन चीजें इस पर गौर करने वाली होती है। एक तो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं कि आप कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स पर आपने काम किया, यानी कि आपने ट्रैवल रिलेटेड वेबसाइट्स पर काम किया है, आपने गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर काम किया है, आप टेलीकम्युनिकेशन पर काम किया है, आपने होटल इंडस्ट्री पर काम किया है, आपने शिपिंग पर काम किया है, आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स पर आपने काम किया है, आप लोकल क्लाइंट्स पर काम किया है, आपने जॉब्स पोर्टल्स पर काम किया है। तो ये चीज़ें तो आपकी स्पेशलिटी होती है कि ये चीज़ों पर आपने काम कर रखा है। इसके अलावा अगर वो देखते हैं तो वो आपकी क्वालिफिकेशन देखते हैं कि आखिर आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपने क्या किया था अपने लाइफ में, सिर्फ ग्रेजुएशन करके आप रुक गए या फिर आपने मास्टर्स भी किया हुआ है। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए इंटरव्यू देते हैं तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। आपको थोड़ा सा प्लस मिलता है जब आप फॉर्म भी फिल कर रहे होते हैं। कभी भी आप देखिएगा जब आपको इंटरव्यू के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें भी लिख रहा था हायर क्वालिफिकेशन का भी कॉलम होता है, जहाँ पर आपको टिक लगाना होता है कि आपकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है। अगर हायर क्वालिफिकेशन, अगर वो चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं होती तो वो कॉलम ही वहाँ मेंशन नहीं होता। तो आप बात समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो अगर आप पढ़ाई मत छोड़िए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ग्रेजुएशन के बाद MBA के लिए तैयारी ज़रूर कीजिए, चाहे वो कॉरेस्पॉन्डेंस हो या फिर आप रेगुलर से कर सकते हैं, ये आपका चॉइस है बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आप फिर से बोलूँगा, आप मुझे ट्विटर पे और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।